मैं अपने पन्ना रखते सम ओम विप्रपाद शिक्षण कमलों में अनंत कोटि साथ काम करता प्रगति किया पश्चात शिक्षक अपने शिक्षा गुरु श्री शरीरा अपने ओम विप्रपाल से ईश्वर भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों देव के रूप में। इसलिए हम लोग
देव की उपासना भी करते हैं, ऐसे महापुरुष भक्ति की रक्षा करते हैं। यही मत नाना श्लोक स्तुति पड़ी स्तुति पैदा निश्चिंत सेवा का माला प्रसाद ध्यान में दिए। सब नृसिंह जी का सेवक उनकी प्रसादी माला महाप्रभु जी के गले में डाल दी। पूर्ववर्ष पहले की भांति महाप्रभु जब जाते हैं कहीं तो किसी घर में मां ठोकरे नहीं मानते, विशेष करके जहां अनाचार है, मांस मछली प्याज लहसुन इत्यादि खाना है वहां तो वो करते हैं, किंतु सब देश में ही कुछ भक्त होते हैं जो प्याज लहसुन मांस मछली नहीं खाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। आजकल ब्राह्मणों में भी दुराचार देखा जाता है, इसलिए महापुरुष ब्राह्मणों के घर में विशेष करके जहां पर सदाचार नियम हो उसी के घर में बात हो रही है। एक ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण दिया हमारे घर में, महाप्रभु ने देखा ये भक्त है और ब्राह्मण भी है सदाचारी है, उसी का घर में खाने से और जहां तहां खाने से धर्म का व्यतिक्रम होगा, हमारी भक्ति में बाधा, इसलिए जहां तहां सबके यहां भोजन मत करो, डोंट टेक प्रसाद एनी वन हु इनवाइट्स यू, यू शुड नो दैट इट इज ब्रेनिंग बाई हिज स्वभाव बाई हिज नेचुरल ही फ्रेंड डिमेटी ऑफ एनी कॉ बट नेचुरल and then he has offered to Thakurji and then you can take it. So Mahaprabhu can establish all kinds of truth. At that night us raat mein wahi par rahe aur phir kuch din chalte गोदावरी के तट पर पहुंचे और सभी लोगों को वैष्णव करते थे, हमारा अध्याय गुरु भैया का रोज मैं आज्ञा देता हूं जिसको देखो उसी को कहो जो कृष्ण नाम जपो और उससे कहो जो वो वहां पर जितने लोग हैं उनको यही उपदेश दे कि तुम गुरु होकर के और कृष्ण नाम का प्रचार और तो भक्ति का प्रचार महाप्रभु ने यदि कहो यदि वो कहते गुरु कहते हैं वो सच है, नहीं मैं शक्ति संचालित करता तुम्हारा पता नहीं होगा, तुम हमारे आदेश से सर्वत्र कृष्ण नाम का महाप्रभु भाव आदेश होकर चलते चलते गोदावरी के तट पर आए, गोदावरी नदी को देखा, यहां नदी देखे माने काली थी, यहां पर्वत देखे माने गोवर्धन, वट वृक्ष देखा तो बंसी पर, यहां पर भी क्या हम लोग आज गए थे छोटा गोपीनाथ शकट पर्वत गोवर्धन, गोवर्धन है कि नहीं है ये तुम्हारे भावना के ऊपर निर्भर है। महापुरुष ने सब देखा ये गोदावरी नदी यमुना नदी सिंधु नदी कौन सी समुद्र, महाप्रभु जहां जहां बंद देते हैं उसको वृंदावन, तुम क्या समझते हो तुम्हारा यदि भावावेश ऐसा ही है तब तो ठीक है, नहीं तो जो है उसको उसी को मान, कल्पना करने से नहीं होगा। महाप्रभु जी ने देखा अरे ये तो हम
छोटा गोपीनाथ, अर्थात हम वृंदावन में आए हैं, पासी में यमुना नदी बह रही, पासी में गिरिराज को बर्तन है, वहां बंसी बर्तन है, और वहीं पर देवदास जी को काम करते हुए देखा, मुक्त हो गए, दौड़े एकदम पावर। हमारा आदर्श तो ये है, ऐसा ही हमको कंप्लेन करने पर ऐसा होना चाहिए, किंतु जिस स्टैंडर्ड में हो उसी स्टैंडर्ड के अनुसार में आचरण और व्यवहार करो, उसका उल्लंघन मत करो, उसका उल्लंघन मत करो। तेरे देख वन देखी भैया स्मृति भैया वृंदा महाप्रभु गए वृंदावन में, और वृंदावन में गए वहां किस चीज की प्राप्ति हुई, गोवर्धन में गए तो गोवर्धन तो ही है वस्तु, वहां पर क्या प्राप्ति हो, कृष्ण की जो जो लीलाएं उस समय में हुई थी कृष्ण के समय में, वो लीलाओं की स्फूर्ति हो गई। कोई भी व्यक्ति गोवर्धन नंदगांव पर आना चाहता है तो भागवत तो उसके सामने आ जाता है, यदि साधारण रूप में भी श्रद्धालु रहे और थोड़ा सा संत किए हुए रहे तो हो जाता है। कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, इसी गोवर्धन ने परमात्मा ने लीला कंदरे कंदरे उनकी प्रत्येक कंदराओं में गुफाओं में कृष्ण की बड़ी जितनी श्रद्धाओं के साथ में विशेष करके गोपियों के साथ गोप्रमणियों के साथ उनकी लीलाएं क्या क्या लीलाएं हुई इसका गोस्वामियों ने वर्णन किया, भागवत ने वर्णन किया। विशेष करके भागवत में लीलाओं का उतना वर्णन नहीं है जितना की रूप रघुनाथ राघव गोस्वामी के शिव गोस्वामी के गोपाल चंपु में वृंदा आनंद वृंदावन चंपु में ये सब का यदि भक्ति करना है तो इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने संस्कृत कभी नहीं सीखा, संस्कृत अपने आप आ गई, भाषा आ जाती है, उसमें व्यर्थ नष्ट करने से समय नष्ट करने से नष्ट हो, जो चीज हमको जरूरत है संस्कृत की टिकाएं हो गई, आप जरूरत क्या है संस्कृत पढ़ते उतने समय नष्ट, वो विद्या पूरी ही नहीं होगी, कोई और पढ़े और पढ़े और पढ़े करते 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 तो आप अध्यापक बन जाएगा, प्राध्यापक बन जाएगा और धीरे 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 उसी में लगा रहा है, असल जो भक्ति रह गई वो छूट गया। इस प्रकार से गुलाबी में पहुंच गए, जमुना को भ्रम हुआ, स्नान करके घाट को छोड़ करके वहां पर हजार लोग आते हैं, कोलाहल होता है और पास ही में बैठ करके कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं। Everyone he met to chant
hands of Krishna and to give the teachings that Krishna has given in Gita and teachings about Krishna to others. We came to the temple of Jayananda Virasingar, and there he offered flowers to the one was Sri Nasinga Jaya Singa Jaya Jaya Singa Prana Deshna Jaya Parma Moka Parma Vringa. Shri Gurudev explained yesterday. Now, another verse that Mahaprabhu did when he was offering star of Sputti. Ugro api anugraha. Ugro api. Even though you are ugra, very ferocious, he's praying to Lord Nishimura. Even though you are very ferocious, anugraha, you are very kind. To whom are you ferocious and to whom are you very kind? To those persons who harass or give problems to the devotees, then you are very ferocious. But to your own devotees you are very kind, exactly like a lioness. A lioness has cubs, and she is very, very affectionate to them. But if anyone would try to harass her cubs, then cubs like death was on a fight. So, in the same way, Sri Nasimha Bhagavan, he cannot tolerate any disturbance created by others for his devotees. So we see that when Hiranyakashipu was perpetrating so many atrocities against other people, Sri Nasimhadev did not appear. He did not come. But when Hiranyakashipu was harassing Prahlad Maharaj, then he appeared and he killed Hiranyakashipu. But Prahlad Maharaj prayed for the deliverance of Hiranyakashipu. So Sri Nasimhadev protects anyone who takes shelter of him. We know that the chakra, Sudarshan chakra, protects the devotees. This chakra is Nrsimhadev himself. And the worship of chakra is performed by offering the prayers to Lord Nrsimhadev. This is why sometimes we worship Lord Nrsimhadev, because he gives protection to the devotees. So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was, he described how the sevaka, the pujari of Jayananda Singha, he gave the Mahaprasad garland from Lord Nrsimhadev to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So then Sri Chaitanya Mahaprabhu continued on his way. It's mentioned that when he was traveling, he did not accept madhukari or alms from just anyone. Why? Because many people, they eat meat, fish, eggs, onions, garlic, they're not pure. But those who are sadachari, they observe sadachara. That means behavior which is appropriate for pure Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu would accept madhukari from them. He would only eat in their homes. Nowadays, many are born in Brahmin families, but they don't follow Yam and Niyam, the rules and regulations, which are meant actually for Brahmins and for pure Vaishnavas. So Srila Gurudev explained that if we will accept donations, we'll accept food, especially from those who are not following the principles of devotional service, proper sadhachara, proper behavior, then by accepting their alms, by eating their food, it will create many obstacles in bhajan and will not be able to make advancements. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he would accept only from qualified persons who had cooked, prepared and offered to their deities, to their Thakurji. Afterwards then he would accept Mahaprasada from them. So we see that Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his behavior, by his own example, he taught so many principles which are to be followed by those who are under his guidance. So when he was leaving any place, he would tell those people, Yari Deka Dharika Krishna Upadesh, Amaran Yari Guru Anantaridesh. Whoever you meet, you should tell them the instructions of Krishna. And Amarak Yai, on my order, you become Guru and deliver everyone. So if anyone will say, I am not qualified. No, Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, Amar Agyaya, on my order. That means, if you follow my instruction,
I will give you power. I will give you inspiration. And you will not fall down into the ways of Vishaitaranga, the ways of sense gratification. So then, Sri Chaitanya Mahaprabhu continued on his journey and he came to the bank of Godavari. What is his mood? He is absorbed in transcendental emotion. One deki brahmahoy, a Vrindavan, Shaila deki brahmahoy, a Govardhana, Yahanati deki tahat, Mane Korindi, Mahabhava, Nache Prabhu, Nache Kore Kande. He's going even there. If you would see a forest, you would think, this is Vrindavan. If you saw a hill, you would experience, this is Giriraj Govardhan. If you saw a river, like Godavari, how did you feel? Well, this is Jamuna. In this way, Mahaprabhu, he was absorbed in Mahaprabhu. So, we see that when Mahaprabhu was here in Jagannath Puri, when he saw Chatak Parvat, at that time, he said, this is Giriraj Govardhan. Actually, ontologically, this is not Giriraj Govardhan, but by his mood, he's seeing it in this way. Wherever he looked, any hill, any river, any forest, it would remind him of the pastime places of Krishna. So, he would see here in Puri, Bongsibar, Jamuna. Also, he went to embrace one Devidasi, who was singing Shita Kamala Kuchamandala Drita Kundala He. So this behavior of Chaitanya Mahaprabhu, it cannot be imitated. When we go on Purkrama, what do we see? When Chaitanya Mahaprabhu would do Purkrama, then he would actually directly have Spurti, a vision of the eternal pastimes of Radha and Krishna. So we can't imitate him, but this stage will come naturally if we follow the process of bhakti. Srila Gurudev said, don't try to transgress the stages in the progressive development of bhakti. Shraddha, Vachana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, or in this stage Bhav and Ayana in brain, then some realization like this can begin to come. So, when Chaitanya Mahaprabhu went to Purana, when he went to Vrindavan, and he saw Giriraj Govardhan, what did he see? Pramada Madana Leela Kandare Kandare Te Rashi Atikava Yuna Dhanda Masvinda Manda. He saw that in all the caves and the kunjas of Giriraj Govardhan, Krishna was playing with his friends, and especially he saw how Krishna would meet with Shivaji Radhika and Brother Rani. So he saw all those pastimes which have been described in Srimad Bhagavatam, and many confidential pastimes which have not been directly disclosed by Shukadev Goswami. But then our Goswami, Srila Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Siddhanta Goswami and others, especially Srila Kamikana Pur in his Ananda Vrindavan Shambhu, and Srila Jiva Goswami Pai in his Sri Gopal Shambhu, they have revealed many confidential things that Shukadev Goswami is only hinted at. So Srila Gurudev explains, there is no need to learn Sanskrit. Don't waste your time. Why? Because by associating with Sadhguru and Guru Vaishnavas and hearing and chanting, naturally, all the knowledge of Sanskrit, all the verses of Srimad Bhagavatam, their confidential meanings, which can never be understood by any amount of panditya, any amount of scholarship, they all awaken automatically. But those who follow the path of scholarship, then they will think, I have not completed my study, so I have to study more. Then they will think, I have still not completed my study, I will have to study more in this way until they're old and their teeth are falling out. They will go on studying, and their life is lost and wasted, and they have not done better. So we should not be derailed by the allurement of Maya, that's your energy, chasing after Panditya. So, in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he arrived at the Ghats, where many devotees were taking baths. And he took his bath in Godavari, then he sat down on the bank of the river and began to chant, absorbed in the nectar of Sri Harinam.
नाम संकीर्तन का यात्रा कर रहे होंगे क्या? हरि हरि नम कृष्ण जय एक सन्यासी बैठा है।
और नाम संकीर्तन करता है। महाप्रभु जी तो ऐसे ही गोपर्ण के और विशेष करके लाल कपड़े में यदि हो तो कैसा सौंदर्य भी उठेगा। लंबुज अजान लंबित भुजा आकृति साहित्य तुम्हें ईश्वर लक्ष लंबी लंबी भुजाएं बड़े सुंदर देखने में और जो चिन्ह है भगवान के वो सब लक्षण उनमें है। उनको अपूर्व सन्यासी देकर के आए निकट सूर्य सत समकांति अरुण वर्ण सुबलित प्रकांड देव कमल लोचन। महाप्रभु अपने हाथ से भी कितने थे चार हाथ सड़की हाथ आदमी अपने हाथ से होता है। महाप्रभु प्रकांड थे अजान गंभीर पूजा इस पर के लक्षण इनको देखकर के देखिया कहा मन है भाई चमत्कार ऐसा सन्यासी देखकर के उनके मन में चमत्कार क्यों आज तक ऐसा सन्यासी हमने अपने जीवन में नहीं देखा और उनको नंबर प्रणाम किया। महाप्रभु ये नियम है पिता भी होगा तो सन्यासी को प्रणाम करेगा। और दूसरी बात है परिश्रम कर्म में जो महाप्रभु भी अपनी मैया को सन्यास लेने के बाद उसकी प्रणाम करता है वो एक्सेप्शन किंतु साधारण रूप में यही है उसको भगवत स्वरूप नारायण स्वरूप देखा जाता है जिसे आदर को भी प्रभु कहे उठा कह कृष्ण कृष्ण बस यही आप कहते हैं कुशल है प्रारंभ ये नहीं पूछा। महाप्रभु के लंका उठो वो जमीन में पड़े गए दंडम संस्थान प्रणाम कर रहे हैं राजा होकर। आजकल कोई राजा किसी वैष्णव सन्यासी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगा बहुत नहीं करेगा। घनी आदमी सहजी रूप में साष्टांग में वहीं से हाथ जोड़ करके सिर झुका दिया अथवा वो भी नहीं बल्कि ये दौड़ करके आगे सन्यासी जाएंगे उनके बाद में उनको अभिनंदन करके ले आएंगे अपने आप। आज हमारा आश्रम धन्य हुआ कि आप जैसे धनी नारी देते हैं तारे आलिंगे प्रभु भाई का शक्ति सुना तथा किसी ने तुम राय रामानंद को मिलने के लिए आते हैं जैसा देखा उनका फॉर्म ने कहा था वैसा ही लक्षण है ये राय रामानंद नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी को इनको मिलने के लिए बड़े सत्कृष्ण हो गए क्यों कहे उन्होंने कहा आपकी राय रामानंद तो उन्होंने उत्तर दे ओमी दात सूत्र मंद मैं वही सूत्र और अदम दीन ही उत्तर दिया। महाप्रभु जी तीन प्रकार से दिनांक की सुनीत होकर के प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद भी कैसे दीन हीन होकर के उत्तर दे रहे हैं। ऐसा कोई राजा महाराजा होता तो ऐसा उत्तर दे मैं दीन हीन और सूत्र अदम ये हूं स्वाभाविक रूप में ये बतावे चल रहे हैं वैष्णव से मिलन हो तो ऐसे ही व्यवहार इस प्रकार की बात प्रेमावय से प्रभु दिव्य दोहे अतिथ कभी तारे कैल प्रभु त्रिनालिंगन जब सुना के हाँ यही रामानंद है तो स्वभाव दोनों दोनों का आलिंगन करके श्री कंप अस्तु मूलक वैगण्य कुहार मुखे से सुनील कृष्ण कृष्ण दोनों कृष्ण कृष्ण करने लगे और दोनों दोनों का आलिंगन करके गिर पड़े मूर्खित होकर के भाव स्वाभाविक प्रेम स्वाभाविक प्रेम की शोका आत्मानुबंधी स्वरूपानुबंधी रामानंद जी कौन है ये तो विशाखा सखी है या ललिता मान लो या ये है विशेष करके विशाखा सखी
और महाप्रभु जी कौन है? कृष्ण है। इनका जो स्वाभाविक प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम उमड़ और अबाधित हो गया। अल्पिक ब्राह्मण जो थे बड़े चमत्कृत हो उठे। ये तो अनमोली की बात विचार कर रहे हैं वो लोग। वैदिक ब्राह्मण कोई सन्यासी ब्राह्मण ब्राह्मणी सन्यासी होगा एक तो ये बात। ब्राह्मण का अतिरिक्त अंदर कोई सन्यासी, हम लोगों में भी ब्राह्मण संपन्न गुण न हो और शुद्ध जाति का हो और वही स्वभाव में हो तो उसको संन्यास कहने से उसे गर्व और उसका पतन हो जाता। इसलिए ब्राह्मण का जो स्वाभाविक गुण है शांति सहिष्णु और जो गुण है वो गुण हो तब उनको संन्यास देना चाहिए, किन्तु आज कुछ व्यतिक्रम होने से उसका कुफल भी होता है। इसलिए देख सुन करके संन्यास नहीं तो उसको अभिमान हो जाए, वो रीतियों को मानेगा नहीं। वो लोग चमत्कारों से भाई ये तो सन्यासी ब्रह्म के समान है और देखने में आकृति और प्रकृति में ये ब्रह्म के समान है। और रामानंद महाराज हैं और बड़े धीर गंभीर हैं, शास्त्रों का इनको ज्ञान है और एक सन्यासी को देख करके उसे आलिंगन करके और ये मूर्खी होकर के गिर पड़े। ये ऐसा क्यों? ये तो बड़ी गंभीर है। रामानंद जी सर्वशास्त्र पारंगत, एक वेदांत उपनिषद सब कुछ पारंगत, श्रीमद् भागवत के परम पंडित और कभी भी नई रचना करने वाले पद और ये सब। किंतु आज महाप्रभु देखते हैं ये सारा धैर्य सब समाप्त हो गया और उनके चरण से लोग महाप्रभु ने आलिंगन किया। स्वाभाविक प्रेम कौन सा प्रेम? स्वाभाविक वही ये इशाका और ये है प्रेम को आप दोनों को चित्र करते सब विचार कर रहे हैं समझ नहीं सके। महाप्रभु जी ने देखा कि ये ब्राह्मण सब भाई ये भी जाति है शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए अपने असुर कम रोमान की इत्यादि को उन्होंने संवरण कर और सुस्त होकर के दोनों बैठे। महाप्रभु जी हंस करके बोले, मुस्कुरा कर बोले और साथ कौन करता चाहिए ने हमसे तुमसे मिलने के लिए कहा और मैं आया। मैं यहाँ पर आया क्यों? तुमसे मिलने के लिए राजमानंद जी, आपसे मिलने के लिए और दूसरा कोई काम नहीं था। राय सार्वभौम परे पूरे सार्वभौम भट्टाचार्य सार ज्ञान करते हैं, इसलिए परोक्ष रूप में मेरा कल्याण करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा। आज सफल गई लोग मनुष्य जन्म आज मेरा सफल हुआ। मनुष्य जीवन किसमें सफल होता है? मैंने कहा कि यदि साधु संग हो और उसमें कृष्ण भजन करे और कुछ उपलब्धि कर ले तो मनुष्य जीवन सफल रह जाता है। मनुष्य जीवन सफल नहीं है उनको धर्मे नहीं ना पशु भी पशु का गधा घोड़ा इत्यादि सुपर कुकर उनको बनता है। ये तो धर्म का क्या है? और फिर बिलाते हुए पशुओं की खातिर मरेंगे और फिर जन्म लेंगे और सफल होने से जीवन जीवन गिरता है। साधु संग में हरिनाम आश्रय करके गुरु कर्म करके धीरे 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 सत्ता निष्ठा रुचि आसक्ति इस तरह से आगे बढ़े। जीवन का निर्वाह किसी प्रकार में कर लेंगे, अपना कर्तव्य कर्म करेंगे जीवन का निर्वाह और बाकी समय कर्ज में रहेंगे तो मनुष्य जीवन सफल है। आज मेरा जीवन सफल हुआ क्यों? सार्वभौम भ्रष्टाचार ये
कि मैं आपके जैसे आपको मेरे जेल ले जा इतनी कृपा है कि आप सन्यासी और ब्राह्मण सन्यासी ब्राह्मण सन्यासी होकर के भी मुझे शूद्र को जान करके भी और हमारा स्पष्ट किया कहा मुझे राजदेव विषय और यह कह करके एक श्लोक पढ़ा उन्होंने मात विचलना निर्णाम गृहणाम दीन चेतसाम निश्चय भगवान जानना था कल्पते मत निकलना आप जैसे ये कौन कह रहा है नंद बाबा कर करता चाहते उनके घर में नामकरण करने के लिए खुद सुधारे नंद बाबा ने बुलाया नहीं तभी आए वो आए अपने लाभ के लिए बस्तर जी उनका पुरोहित बस्तर जी के पुरोहित है इसे उन्होंने भेजा इसे खुद रूप में वहां आए उसका नामकरण करने के लिए बलदेव जी का और साथ में कृष्ण का भी यहाँ पर इसलिए आए और वो कह रहे हैं नंद बाबा कैसे कृष्ण के पिता केवल एक जन्म के पिता ने जन्म जन्मांतर के नित्य पिता वो कह रहे हैं महत् पिता साधु संतों का महत् महत्व है महान सबसे महत्वपूर्ण अणोरवी अणिया कौन है कृष्ण उनकी जो सेवा करने वाले हैं सेवानिष्ठ हैं कृष्ण की सेवानिष्ठ वो महत्व व्यक्ति दूसरा महाकृष्ण नहीं हो सकता वो लोग अपने आश्रम से जब निकलते हैं चलते हैं तो किस लिए निकलते हैं गृह लोग जो गृह प्रिय में फंसे हुए हैं जिनको फुर्सत नहीं है बस से निकल लेगा साधु संघ कहेंगे हम क्या करके वहां पर आएंगे इसलिए नहीं वो बहुत कुछ गृह लोग गृह कार्यो में हम आसक्त रहते हैं उनको फुर्सत नहीं है हम जो साधु सन्यासियों के पास में महापुरुषों के पास में यदि महापुरुष के यहां जाना भी होगा तो वो समझेंगे महत्व कौन है गलत व्यक्ति के पास में पहुंच जाएंगे दीन चेत गृह लोग कौन है दीन चेत बड़े दीन ऐसे लोगों के लिए निश्चेष है उनका कल्याण करने के लिए और कोई काम नहीं है न प्रबंधन उनका कोई काम नहीं है उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो भी ऐसे गृह व्यक्तियों के प्रति और भी एक ठीक पर्लर श्लोक ऐसा ही है वो क्या है महत्व स्वभाव वही कार्य के बाद ये तो चेतन है श्रद्धा बोलते हैं जिसको आचार्य नहीं पाता Some examples.
I am your servant.
I am a Sutra, I am a Mantra, slow and low, and poor and a despicable person. So, how Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about his identity in a very humble way, and Sri Ramanandarai replied, this is the Chinara Bhishunita heart. Humble food. Pure Vaishnavas, they consider themselves to be most insignificant. So when they meet together, their meeting should be very sweet like this. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he embraced Sri Ramananda. And when they embraced each other, at that time, all Astasattvic Vas, trembling, tears flowing from their eyes, perspiration, faltering of the voice, fading of their bodily complexions, all these Sattvic Vas came and both fainted and fell. What is this? This is Swabhavik Prem, natural love. Because Sri Ramananda is Vishakha Sati and Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. And in this leela, they are meeting for the first time. So naturally, they are overwhelmed with praying. So this love, it is Swabhavik, natural love. What type of love is natural? That love which is Swarupa Anubandhi. In other words, the only kind of natural love is that love which is coming out from the heart due to one's constitutional position. Constitutionally, Ramananda Rai is most beloved of Sri Krishna. And so that mutual love is Swarupa Anubandhi. It is naturally flowing because of their constitution. Only so the love which is Swarupa Anubandhi is natural. Everything else is unnatural, artificial. So, when the Brahmanas who were there, so they embraced each other, and so they become overwhelmed in transcendental love, they were very astonished. Why? On the one hand, Sri Chaitanya Mahaprabhu is sannyasi. So sannyasi is meant to be very great. And Ramanandarai also is so gambir, very great, and very learned in all shastras. Ramanandarai is by caste sudra, but this sannyasi is Brahman. Actually, Brahmana should take sannyas. If someone will give sannyas to someone who is not a Brahman, then they will fall. But nowadays, there's some concession, and those who have the natural qualities of a Brahman, they are accepted. To renounce order under guidance of the qualified spiritual masters. So, how is this that this sannyasi is embracing sutra and this sutra who is very great is become overwhelmed with so many emotions? So the Brahmins could not understand because they were not Shuddha Vaishnava. They are not pure Vaishnavas. And therefore, they could not understand the appearance of the Sattvic Vas. So they are considered to be Vijatiya. They are not very close and near and dear to Mahaprabhu and Vaira Ananda. They have some unfavorable mood. So Chaitanya Mahaprabhu, when he composed himself and his emotions subsided, he said, I have come here to meet with you, not for anything else, just to meet with you. So then Vaira Ananda, he replied, oh, Sarva Goma Bhattacharya considers me his servant and therefore in all ways, directly or indirectly or in a hidden way, he always acts to bring about my welfare. So he has sent you to meet with me to bring about my welfare. Srila Gurudev commented that if someone will have sadhu sangha and come under their guidance, then some realization of Krishna Bhakti will come, and that life is successful. But without having qualified association and coming under their guidance, then one is living like an animal. He will die like an animal, and his next life he will become an animal like a dog or a hog. The life is completely wasted. So we should try to take shelter of Sadhguru and Harinam Sankirtanam and gradually progress through the stages, sadha, Ananda Niriti Nishtaruchi Asakti, and make our life successful. Outwardly, one may be situated
in his social position and performing duties, tarestita, whatever he is situated in his social position and do his external duties. But the rest of the time, he is struggling, engaging, bhajan, and gradually his life will become successful. So Ramananda Rai said, I understand that Sarvabhauma Bhattacharya is so merciful to me that he has sent you and you have embraced me. So then Roy Ramananda, after what spoke of Srimad Bhagavatam, Mahatvicharanam Renam, Vihinam Vina Chetasam, Mysterious Naya Bhagavan, Nadya Thakam, the Tekwajit. This verse was uttered by Nanda Maharaj. When Krishna was born, then Vasudeva Maharaj, he sent Gargacharya secretly from Mathura to Gokul. And Gargacharya, he performed the Nam Sanskara, the name-giving ceremony of Krishna and Balaram. So at that time, Nanda Maharaj, when he met with Gargacharya, who is a great Vaishnava, then Nanda Maharaj said this, that you are Maharaj. Who is the Mahat? Krishna is? Explanation Kumar. Because today is so late. What is it? So, who is Mahat? Krishna is the greatest of the great and the smallest of the small. He is greatest in all respects. So those who are the servants of that great personality, they are also Maharaj. So Mahatvicharanam Nirnam. Those great personalities, they are wandering here and there. For what purpose? Because those who are Krihinam Dina Chetasam, they are attached to their household life. They cannot go here and there, they have no opportunity to meet with the sadhu. So the sadhus, they wander here and there to give those who are attached to household life an opportunity to have sadhu sangha. Now who is speaking this verse? Nanda Baba. Nanda Baba is not an ordinary person. He is the father of Krishna. Birth after birth, he is the nitya father, eternal father of Krishna. Yet he himself is honoring Gargacharya by these words. So then, Srila Gurudev concluded, such great personalities, they come to meet with those who are Dina Chetasam. Their consciousness is very low because they are attached to temporary household life. And the two devotees, they go to meet with them. Their only purpose is to help that person. They have no desire for self-gain. They don't come for any other purpose. Srila Gurudev will continue this kirtan tomorrow. बहुत ही सुंदर प्रसाद मिल जाए चावल और मीठी दाल और तरकारी दिया हुआ मोर बेसर मंकु तरकारी देती है दाल दाल माँ पुआ खिचड़ी चावल जिसमें कि ये कविता और भी बहुत सी चीजें हैं इसे जगन्नाथ जी भी जाए तो इसे बिना प्रसाद पाए जो जाएगा वो महात्मा का टुडे लॉर्ड जगन्नाथ और बिमला देवी है स्टैंड और वेरी वेरी सर प्रणाम Anna, feet, dog, dhamma, dolly man, maa-kuva, chicharanna, and so many things. So these today, they are not taking prasadam, not serving prasadam. They are most on fire. So you put all the prasadam here. After party, at once you can see that Prasad will come and serve you. Tomorrow's program will be Paramananda.
tomorrow's program